हेलो स्टूडेंट्स, मैं भाई क्या आपका डायमेटिक क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और पीएम मोदी की गाइडलाइन को फॉलो कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज का लाइफ चेंजिंग थॉट है, अ पर्सन हु हैज नेवर मेड अ मिस्टेक हैज नेवर ट्राइड एनीथिंग न्यू। कि स्टूडेंट्स, जिस पर्सन ने कभी मिस्टेक नहीं की, उसने कभी भी अपनी जिंदगी में कुछ भी नया नहीं सीखा। अगर आप कुछ भी नया सीख रहे हो तो उसमें मिस्टेक्स होंगी, उन मिस्टेक्स से आप सीखोगे और आप और भी बेहतर से बेहतर उस कार्य को करना सीख जाओगे। इसलिए स्टूडेंट्स, मिस्टेक से घबराओ मत, मिस्टेक से सीखो और आपका जो पैशन है उसको फॉलो करो और उसमें आपका करियर बनाओ। आई होप ये थॉट आपके जीवन में कुछ न कुछ एक पॉजिटिव चेंज लाएगा और आपको एक सक्सेसफुल पर्सन बनाएगा। तो स्टूडेंट्स, बात करते हैं हमारी क्लासेस की ओर। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है चैप्टर 3, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो लिखेंगे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। ओके स्टूडेंट्स, अपन ने प्रीवियस क्लासेस में आपने देख लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल पढ़ा होगा। ओके, लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, जैसे कि x प्लस 3 इक्वल टू 8, 2y प्लस 10 इक्वल टू 28, इस टाइप के इक्वेशन स्टूडेंट्स आपने सॉल्व की होंगी और आपने इनको पढ़ा होगा। 2x प्लस 5 इक्वल टू 6x माइनस 9 या 6m इक्वल टू 54, तो इस टाइप की कुछ इक्वेशन आपने देखे होंगे स्टूडेंट्स। तो ये इक्वेशंस क्या थी, ये इक्वेशंस थी स्टूडेंट्स लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। हमने अब तक पढ़ा है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल, इसमें ओनली 1 वेरिएबल हो रहा है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। स्टूडेंट्स देखो, इसमें एक्स आ रहा है, इधर भी एक्स आ रहा है, इसमें ओनली वाई आ रहा है और इधर एम आ रहा है, तो ये हो गया लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म हमने पढ़ी थी स्टूडेंट, क्या थी, ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 0, ये थी इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म, वेयर ए एंड बी आर रियल नंबर्स, ए और बी रियल नंबर्स थे। तो स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की ओर, वो है लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होती है, तो इक्वेशन दैट हैज 2 वेरिएबल विद डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। की कोई इक्वेशन है जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू 5, इस इक्वेशन में 2 वेरिएबल्स हैं x एंड y, तो इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स, 2 वेरिएबल आ रहे हैं और उनकी पावर भी कितनी होगी, ओनली 1 होगी, इनकी डिग्री कितनी होगी 1 होगी, तो ये लीनियर इक्वेशन होगी। अगर डिग्री 2 हो गई तो वो कौन सी होती है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी। इसलिए लीनियर इक्वेशन क्या होंगी, इन 2 वेरिएबल होगा कि 2 वेरिएबल्स होंगे प्लस पावर भी क्या होगी 1 होगी, डिग्री 1 होगी स्टूडेंट्स, तो ये होगी लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल। तो स्टूडेंट्स, इसके लिए आप एक डेफिनेशन लिख सकते हो जिससे आपको और क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो इक्वेशन दैट हैज 2 वेरिएबल्स विथ डिग्री 1, डिग्री हमने पढ़ा था हाईएस्ट पावर ऑफ इक्वेशन, तो डिग्री 1 इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। ओके, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है स्टूडेंट, स्टैंडर्ड फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0, यहाँ पे सी क्या है, कॉन्स्टेंट है और एक्स वाई दो वेरिएबल है। ओके स्टूडेंट्स, आपको ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल क्या होते समझ में आ गया होगा, तो इनके एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे कि 2x प्लस 3y प्लस 8 इक्वल टू 0 या 9x माइनस 11z प्लस 54 इक्वल टू 0, तो ये सब क्या होगी स्टूडेंट्स, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल।
हम इसमें पढ़ेंगे अब आगे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो इन इक्वेशंस को ग्राफ पर कैसे डिनोट करते हैं, कैसे एक्सप्रेस करेंगे, ये हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स। तो हम देखते हैं कि ये कैसे होगा। उससे पहले हम स्टूडेंट्स पढ़ेंगे कि ग्राफ पेपर क्या होता है, उसपे जो कार्टेशियन प्लेन होता है वो क्या होगा, उसपे जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो क्या होंगे, हम उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं इस पूरे को बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट सिस्टम। तो आज हम कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। आपने ग्राफ पेपर देखा होगा, ओके। अगर ग्राफ पेपर को टू लाइंस, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल मतलब आड़ी, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है वो क्या होती है, एक्स एक्सिस, ओके, और जो वर्टिकल लाइन है वो होती है स्टूडेंट्स वाई एक्सिस, ठीक है। ये होती है हॉरिजॉन्टल, आड़ी लाइन को हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और खड़ी लाइन को वर्टिकल बोलते हैं स्टूडेंट्स, वर्टिकल, ठीक है। तो ये जब टू हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन कट्स ईच अदर एट 90 डिग्री, दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे को कट कर रहे हैं, एक किसके, एक ग्राफिकल ग्राफ को, एक प्लेन को, ओके, तो उसको हम बोलते हैं कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, कार्टेशियन। जैसे कि एक पूरा एक कार्टेशियन प्लेन है, उसमें क्या कर रहे हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, इसको फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे स्टूडेंट्स, फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, और जो इन दोनों का इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसको हम बोलते हैं ओरिजिन। क्या होगा स्टूडेंट्स, ओरिजिन, ओरिजिन होगा इंटरसेक्टिंग पॉइंट ऑफ बोथ एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, वो होगा ओरिजिन हो गया, ओके। अब ये जो लाइन्स है वो क्या कर रही है, एक कार्टेशियन प्लेन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो हर जो पार्ट है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, इच पार्ट इज कॉल्ड क्वाड्रेंट। तो टू एक्सिस एक्स, और जो ये एक्सिस है एक्स, इसको हम नाम देंगे एक्स जीरो एक्स डैश, और ये इसको बोलेंगे वाई जीरो वाई डैश, ओके। तो टू एक्सिस एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश डिवाइड्स द प्लेन इन फोर इक्वल पार्ट्स, देखो वन वन टू थ्री एंड फोर, तो फोर इक्वल पार्ट्स हैं, इस प्लेन को हमने डिवाइड कर लिया, तो इसको उसको क्या बोलेंगे, हर पार्ट को हम बोलते हैं क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मीन्स वन फोर्थ, ओके स्टूडेंट्स। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा कि कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है, क्वाड्रेंट्स क्या होते हैं, एक्सिस क्या होती है, और कार्टेशियन प्लेन क्या होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। जैसे कि आपको एक कोऑर्डिनेट दिया हुआ, कोऑर्डिनेट आपने देखा होगा जैसे कि 2, 4, ओके, ये क्या है आपका कोऑर्डिनेट है, जिसमें जो फ्रंट होता है, जो फर्स्ट जो होता है वो होता है एक्स कोऑर्डिनेट, और जो पीछे वाला होता है वो होता है वाई कोऑर्डिनेट, ओके। तो जो फर्स्ट जो होता है, यहाँ पे 2 क्या है, 2 इज द एक्स कोऑर्डिनेट। जैसे कि स्टूडेंट्स आपको मैं बताता हूं, इसपे हमने एक पॉइंट ले लिया पी, और इसके कोऑर्डिनेट है 2, 3। तो 2 क्या हो गया, एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट पी, या एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस पे एक्स कोऑर्डिनेट हो गया, और 3 जो है वो क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट ऑन एक्स, वाई कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। तो इस तरह से समझेंगे स्टूडेंट, जैसे कि 2, 3 है, तो 2 क्या हो गया, 2 हो गया यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट ऑन एक्स एक्सिस, और जो 3 है वो हो गया वाई कोऑर्डिनेट ऑन वाई एक्सिस। अब स्टूडेंट्स जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है एक्स एक्स एक्सिस पे, उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, उसको बोलते हैं एब्सिसा, एब्सिसा बोलेंगे। जो एक्स कोऑर्डिनेट है एक्स एक्सिस पे उसको बोलते हैं एब्सिसा, और जो वाई कोऑर्डिनेट है वाई एक्सिस के उसको बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलेंगे, ऑर्डिनेट, ठीक है। और इनसे रिलेटेड
कुछ फैक्ट्स भी हैं। एवरी पॉइंट ऑन प्लेन हैज एब्सिसा एंड ऑर्डिनेट। तो प्लेन पे कोई भी पॉइंट ले लो आप, उसका कोऑर्डिनेट आएंगे एक्स के टर्म में भी आएगा और वाई के टर्म में भी आएगा, एक्स कोमा वाई के टर्म में आएगा हमेशा। तो हर और जो एक्स वाला होगा उसको क्या बोलेंगे, एब्सिसा, और वाई वाले को बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो हर पॉइंट का एब्सिसा होगा, हर पॉइंट का ऑर्डिनेट होगा। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। तो इससे और कुछ पॉइंट है वो आप नोट डाउन कीजिए, लिखिएगा, ऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। एक बार स्टूडेंट लिख दीजिए, फिर मैं आपको समझाता हूं। देन एब्सिसा ऑफ ईच पॉइंट ऑन वाई एक्सिस इज जीरो। ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन आर 0.0। तो देखो स्टूडेंट्स, आपको दिया है कि ऑर्डिनेट ऑफ ईच पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस इज जीरो। ऑर्डिनेट क्या होता है, वाई कोऑर्डिनेट होता है, और वो भी वाई कोऑर्डिनेट कहां से आएगा, वाई के पॉइंट से आएगा। तो अगर वाई कोऑर्डिनेट एक्स पे अगर लाई कर रहा है तो वो क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। वैसे ही एब्सिसा क्या होता है, एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट, तो वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो वो भी क्या होगा, हमेशा जीरो होगा। एंड कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन, ये जो ओरिजिन है स्टूडेंट, इसके कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, हमेशा 0.0। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पूरा ग्राफ हो गया कि इसमें क्या होंगे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, उस वो उनको लाइन को बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश वाई ओ वाई डैश। वो क्या करती है, प्लेन को फोर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है और इच पार्ट इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट कितने, फोर, वन टू थ्री एंड फोर। तो फोर टाइप्स ऑफ आपके क्वाड्रेंट हो गए स्टूडेंट्स। ओके, देन जो एक्स कोऑर्डिनेट है उसका जो कोऑर्डिनेट, एक्स एक्सिस का जो कोऑर्डिनेट उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, और वाई एक्सिस के कोऑर्डिनेट को हम बोलेंगे ऑर्डिनेट। तो स्टूडेंट्स, ये हो गया आपका पूरा कार्टेशियन प्लेन। और इसमें और साइन कन्वेंशन है वो मैं आपको बता देता हूं। साइन कन्वेंशन, तो देखिए, जैसे कि आपका कोऑर्डिनेट प्लेन है, कार्टेशियन प्लेन है स्टूडेंट्स, ओके, तो ये हो गया आपका फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये फोर्थ। ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन, एक्स ओ एक्स डैश, वाई ओ वाई डैश। ओके, तो स्टूडेंट्स, अगर कोई पॉइंट है एक्स कोमा वाई जो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, तो उसके साइन क्या होंगे, तो क्या होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट पे क्या होता है, एक्स ओरिजिन के राइट साइड एक्स क्या होगा, पॉजिटिव, और अपसाइड वाई पॉजिटिव होगा। तो एक्स को मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपके पॉइंट्स जो होंगे वो क्या होंगे, प्लस प्लस, दोनों ही पॉइंट्स किसे होंगे, पॉजिटिव वैल्यू कंटेन करेंगे। फिर आते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स नेगेटिव आएगा लेफ्ट साइड में और वाई तो पॉजिटिव आएगा, तो कितना हो गया, माइनस कोमा प्लस हो गया स्टूडेंट्स। फिर आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव, तो माइनस कोमा माइनस हो गया। और फोर्थ क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा, एक्स तो पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव। तो ये स्टूडेंट्स इसके साइन कन्वेंशन हो गए, फर्स्ट क्वाड्रेंट में प्लस प्लस, सेकंड माइनस प्लस, थर्ड नेगेटिव नेगेटिव और फोर्थ में प्लस माइनस। तो स्टूडेंट्स, ये साइंस भी आपको ध्यान में रखना है, इसको आपको आगे अपने कंसेप्ट को क्लियर रखना है, आगे ये आपको बहुत यूजफुल होगा। अब स्टूडेंट्स, आपको आते हैं कि आपको एक लीनियर इक्वेशन गिवन है जिसको आपको ग्राफिकली रिप्रेजेंट करना है। ओके, ये आएगा ऐसे कि ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन 3x + y = 5।
तो ये आपको एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है टू वेरिएबल में, इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो देखो स्टूडेंट्स इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, लिखेंगे गिवन इक्वेशन इज क्या है 3x प्लस वाई इक्वल टू 5। ओके अब स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 3x, इसको लिखते हैं हम इधर ऐसे y इक्वल टू 5 माइनस 3x, ऐसे लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, हमने 3x को उधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है अब हम क्या करेंगे, x की वैल्यू पुट करेंगे और y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स हम टेबल बनाएंगे x और y के लिए, ये टेबल बने और हम देखते हैं। तो जब हम x इक्वल टू ले रहे हैं 0 पुट कर रहे हैं, तो देखिए स्टूडेंट x इक्वल टू 0 तो y की वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस 3 और x की 0 पुट किया हमने, ये तो हो गया कंप्लीट 0, तो ये y इक्वल टू आपका कितना आ गया 5 आ गया स्टूडेंट्स। तो y इक्वल टू 5, जब आप x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, क्या पुट कर रहे हैं x इक्वल टू 1, तो y कितना आएगा देखो 5 माइनस 3 और x इक्वल टू 1 पुट करेंगे तो 5 माइनस 3 कितना आ गया 2, तो y आ गया आपका स्टूडेंट 2 आ गया। नेक्स्ट x इक्वल टू जब हम 2 पुट करते हैं तो y इक्वल टू कितना आएगा देखो 5 माइनस 3 और 2, तो 5 माइनस 3 टू 6 और y आ गया आपका माइनस का 1, तो y इक्वल टू आपका आ गया माइनस 1 जब आपने x इक्वल टू 2 पुट किया। तो इस तरह से आपने स्टूडेंट्स ये कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए, x और y कोऑर्डिनेट्स आपने निकाल लिए। अब इन कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से आप ग्राफ ड्रॉ करेंगे। तो स्टूडेंट्स आई होप आपको यहां तक ये समझ में आ गया होगा। तो हम देखो अब ग्राफ पेपर पर इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो देखिए स्टूडेंट जैसे कि यह है आपका ग्राफ है 0, 1, 2, 3, 4, फाइव एंड सिक्स। ओके यहाँ पे भी 1, 2, 3, 4, 5 ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव आएगा -1, -2, -3, -4 यहाँ पे भी नेगेटिव -1, -2, -3। तो इस तरह से ये आपका कार्टेशियन प्लेन होता है स्टूडेंट। अब देखो आपको फर्स्ट क्या है पॉइंट 0, 5 एक्स आपका जब 0 है तो y कितना है 5, एक्स 0 वाई 5, तो ये वैल्यू आपकी आएगी y एग्जिस्ट पर आएगी जब x 0 है। ओके सेकेंड क्या है एक्स 1 वाई 2, तो x क्या है 1 है और y 2 है, तो ये पॉइंट आएगा स्टूडेंट आपका इधर, तो इसको हम डिनोट भी करेंगे 0, 5 ये कितना हो गया 1, 2। नेक्स्ट है आपका जब x इक्वल टू 2 है, x 2 है तो y कितना आ रहा -1, तो y -1 तो 2 -1, तो ये कहां पे यहाँ पे लाई करेगा 2, -1। ओके स्टूडेंट्स ये हमने कोऑर्डिनेट पॉइंट आउट कर लिए कार्टेशियन प्लेन में। अब इनको क्या करेंगे हम, इनको हम ज्वाइन कर लेंगे स्टूडेंट्स इस तरह से। तो ये जो लाइन जो आपको मिली वो क्या कर रही है, वो लाइन इस इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रही है 3x प्लस y इक्वल टू 5। तो इस तरह से स्टूडेंट्स हम किसी भी लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम कल, आज हमने एक सिंगल लीनियर इक्वेशन भी किया, फिर हम कल पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना सीखेंगे और उनके सॉल्यूशंस फाइंड करना सीखेंगे। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आपको मैं एक लीनियर इक्वेशन दे रहा हूं जिसको आप घर पे ग्राफ पेपर पर सॉल्व करने को प्लॉट करने की ट्राई करना, और उससे रिलेटेड आपको कुछ भी क्वेरीज हो तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स थैंक यू फॉर वॉचिंग, स्टे होम स्टे सेफ, इंडिया फाइट्स कोरोना।